कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ माँ एक सुंदर सा शब्द एक प्यारा सा एहसास और हम सब के जीवन में बहुत ही खास जी हाँ दोस्तों हमारा पहला प्यार हमारी माँ जिसने हमें जीवन तो दिया ही साथ ही साथ चलना उठना बैठना हर चीज़ सिखाई और हर कदम पे हमारा साथ दिया है तो आइए आज उसी माँ को समर्पित करती हूँ अपनी एक पोइम जो मैंने बहुत पहले शायद मेरी कुछ पहली दस पोइम्स में से थी जो मैंने अपनी मदर के लिए लिखी थी फ्रेंड्स हम चार भाई बहन थे लेकिन अपनी मदर के साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने उन्हें हंसते खुश होते रोते हर तरह देखा है और शायद इसीलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करती हूँ मेरी मॉम और मैं हम सिर्फ बेटी और माँ नहीं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे बहुत सारी बातें शेयर की हैं हमने एक दूसरे से सो लेट्स स्टार्ट विद माई पोएम शी she in this poem is my mom she is my love she is i and me she seems to me as i want to see she is my love she is only one i owe हम मां को हक से अपना कह सकते हैं और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती she is my love she is only one i owe she is with me wherever i go she is my love, she is special to me, i need her as the roots for tree. she is my love, she is only one i need, like a newborn baby, whose only need is feed. she is my love, she is much more than i say, always in troubles, she shows me a way. always in troubles, she shows me a way, she shows me a way. Now, I would like to share a second poem that I wrote when I was missing my mom and dad after my marriage, and I also became a mother at that time. I love you, mom. I love you, dad. As a child, I'm always glad. Parents, I love you. How much I can. Then comes next, my life, man. Oh, my husband. You bought again my childhood with this sweet gift of motherhood. Parents, you taught me how to make every sacrifice for your hubby's sake. Mama, you gave me your boldness with which I control and speak very less. But then also, Mama, I remember you a lot either when it's cold or it's hot. आई लव यू मॉम आई लव यू डैड मिसिंग यू बोथ आई एम नेवर ग्लैड फ्रेंड्स पेरेंट्स को तो हम सब मिस करते हैं बस फर्क इतना है कि कभी कोई उनसे जल्दी मिल पाता है और कभी नहीं सो फ्रेंड्स पेरेंट्स के बारे में हमने बहुत बातें की हैं मेरी फर्स्ट लव वाली वीडियो में तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए บายบาย